मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जनपद कानपुर नगर में अवैध ऑटो टेम्पो बस स्टैंड को हटाए हुए वैध ऑटो टेम्पो बस स्टैंड को सुव्यवस्थित रूप से स्थापित करने हेतु संस्थाओं का चिन्हांकन करने हेतु टीम को 3 दिन का निर्देश दिया गया था। टीम द्वारा स्थान का निरीक्षण किया गया, जिसके क्रम में आज झकरकट्टी बस अड्डे का निरीक्षण किया गया। बस स्टैंड के दोनों तरफ वैध स्टैंड स्थापित करने हेतु संयुक्त रूप से टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बस स्टैंड के दोनों साइड में स्टैंड हेतु जगह का चिन्हांकन किया गया। स्टैंड को जल्द से जल्द प्रारंभ करने के लिए पुलिस कमिश्नर ने TI को निर्देश किया। तत्पश्चात पुलिस कमिश्नर जिला अधिकारी ज्वाइंट CP द्वारा रूट मार्च किया गया। झकरकट्टी बस अड्डे से टाटमिल रेल बाजार 1 नंबर स्टेशन रूट मार्च कर लोगों से सीधे संवाद स्थापित किया गया। जगह जगह पर लोगों द्वारा पुलिस कमिश्नर जिला अधिकारी ज्वाइंट CP का माल्यार्पण कर स्वागत किया। जनता में कानून राज स्थापित करने के लिए लोगों एवं व्यापारियों से सीधे उनकी समस्याएं सुनने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा उनके द्वारा पहुँच कर लोगों से सीधे संवाद स्थापित किया गया। मुख्य उद्देश्य ये था कि ये कानपुर का वो सेंट्रल एरिया जहाँ पर हम जाम की समस्या रहती है और उसी में हमने झकरकट्टी के पास 2 जगह आइडेंटिफाई करी हैं मेरे और जिलाधिकारी के द्वारा, जिनको डेवलप किया जाएगा और वहाँ पर टेम्पो स्टैंड बनाया जाएगा। अभी भी वर्तमान में भी वहाँ पे बैरियर लगा के उनको अलग साइड किया हुआ है, लेकिन ये दोनों एरियाज़ के सही होने से और एक टेम्पो स्टैंड बनने से जो जाम की समस्या है वो पूरी तो खत्म नहीं होगी, लेकिन 50-60% उसके अंदर सुधार होगा। हमने आज और भी जगह एक्सप्लोर करी है और पूरे रास्ते में देखा है, लोगों से वार्ता की है, उनसे संवाद स्थापित किया है, लोगों ने कुछ सजेशंस भी दिए हैं, उन्हीं पे अमल करके ये जो रूट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लाइफ लाइन है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है और जाम की समस्या रहती है, उसको दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कि किसी भी प्रकार की जो अवैध रूप से संचालित टेम्पो टैक्सी स्टैंड है उस पर हम लोग विकल्प क्या दे सकते हैं, खासतौर पर सबसे बिजिएस्ट रूट्स में जो बस स्टैंड है और सारे स्टेक होल्डर्स से बात करते हुए हम लोगों ने है और इस पर विकल्प पर भी बात हो गई है, उसमें बहुत खाली कराने का प्रयास है। अब ये जो एक बहुत ऐसा पॉइंट था हमारा जहाँ बार बार जाम लगता था वो खाली होगा। सिविल डिफेंस के लोग भी आज हम लोग के साथ मौजूद थे, कई व्यापारी संगठन बीच बीच में बातचीत होती रही, तो एक अच्छा विकल्प निकल कर आया है और उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट JK न्यूज़।